जय हिंद साथियों, आप सभी का अपने YouTube चैनल पर मैं स्वागत करता हूं। आज का जो है मेरा टॉपिक है मौर्य वंश सम्राट अशोक। इस टॉपिक को हम इतने रोचक तरीके से पढ़ेंगे कि आपको ये चीज़ें याद हो जाए, आप पेट का सिलेबस दे सकते हैं। इसमें आपका टॉपिक दिया हुआ है मौर्य वंश सम्राट अशोक। जैसा कि आप जानते हैं, इतिहास से आपका 5 मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं, जिससे यह कहा जा सकता है कि यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो PDF कैसे मिलेगा, इसके बारे में जानकारी मैं वीडियो में दिया हूँ, तो आप अंत तक वीडियो से जुड़े रहिए। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि PDF को ऐसे तैयार किया गया है जिससे आप आसानी से चीज़ों को एक साथ एक जगह पर पढ़ सकें और आपको याद हो सके। चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं, धन्यवाद। चलिए हम क्लास को शुरू करते हैं। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य, उसके बाद बिंदुसार गद्दी बैठते हैं और उसके बाद अशोक। अशोक जो हैं यही हमारे पेट के सिलेबस में दिए हैं, तो हमारे मेन फोकस अशोक ही रहेंगे। सबसे पहले हम अशोक को ही पढ़ेंगे, उसके बाद लास्ट में हम चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार के बारे में जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं उसके बारे में पढ़ लेंगे। जो अशोक हैं, इनके पिता का नाम था बिंदुसार। बिंदुसार को आप बिंबिसार से कन्फ्यूज मत होइएगा, क्योंकि आप लोग यहीं पर अक्सर कन्फ्यूज होते हैं बिंदुसार और बिंबिसार में। बिंबिसार जो है वो हरेक वंश का है और हरेक वंश हमारे पेट के सिलेबस में नहीं है, इसलिए उसके बारे में हम अभी नहीं पढ़ेंगे। और उनके जो माता का नाम था वो शुभद्रांगी था। अशोक जो है 269 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी बैठे थे, और जब राजगद्दी बैठे थे तो उसमें ये अवंती के राज्यपाल थे। और राजगद्दी बैठने के 8 वर्ष बाद 261 ईसा पूर्व में इन्होंने कलिंग पर आक्रमण कर दिया था। जब ये कलिंग पर आक्रमण करते हैं तो उस समय कलिंग की जो राजधानी थी वो थी तोसली, और कलिंग के युद्ध में ये देखते हैं कि लाखों सैनिक युद्ध में मारे जाते हैं, इससे इनका हृदय परिवर्तन होता है और ये बौद्ध धर्म को अपना लेते हैं। बौद्ध धर्म की दीक्षा इनको उपगुप्त से मिली हुई थी, और बौद्ध धर्म में दीक्षा लेने के बाद ये अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संगमित्रा को प्रचार के लिए बौद्ध धर्म का श्रीलंका भेज देते हैं। सम्राट अशोक के समय में ही तृतीय बौद्ध संगीत भी हुई थी, और तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन पाटलिपुत्र में किया गया था। पाटलिपुत्र में जब इसका आयोजन किया गया था, उसके अध्यक्ष जो थे मोगलीपुत्र तिस थे। इन्होंने बौद्ध धर्म को तो अपनाया ही था, साथ ही साथ इन्होंने आजीवक धर्म को बढ़ावा देने के लिए बराबर की पहाड़ियों में कटवाया था और गुफाओं का निर्माण करवाया था। सांची का जो स्तूप है वो सम्राट अशोक के द्वारा ही बनवाया गया था, और उस समय की ये स्थापत्य कला के दृष्टिकोण से सर्वश्रेष्ठ कला मानी जाती है। इसके अतिरिक्त इन्होंने सारनाथ का स्तूप भी बनवाया था, और सारनाथ के स्तूप को एक और नाम कहते हैं हम लोग, धमेक स्तूप। ये याद कीजिएगा, क्योंकि ये भी क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। सम्राट अशोक ने अपने समय में तीर्थयात्रा भी की हुई थी, और तीर्थयात्रा के दौरान जो इनका क्रम था घूमने का वो इस प्रकार था। पहले गया गए थे, उसके बाद कुशीनगर, उसके बाद लुम्बिनी, उसके बाद कपिलवस्तु, फिर सारनाथ, फिर श्रावस्ती। आप देख सकते हैं कि ये जो भी 6 नगर हैं, ये सभी ऐसे नगर हैं जहाँ पर गौतम बुद्ध का संबंध रहा था। गौतम बुद्ध का जो ज्ञान प्राप्ति हुई थी बोध गया में हुआ था, कुशीनगर में उनकी मृत्यु हुई थी, लुम्बिनी में उनका जन्म हुआ था, कपिलवस्तु के राजा थे उनके पिताजी, सारनाथ में उन्होंने ज्ञान दिया था, और श्रावस्ती में सबसे ज़्यादा ज्ञान दिया था हमारे गौतम बुद्ध ने। तो आप देख सकते हैं कि जो सभी स्थान हैं ये गौतम बुद्ध से संबंधित हैं, और अशोक जो हैं बौद्ध धर्म को मानते थे, तो इन यात्राओं इन जगहों का उन्होंने यात्रा किया था। और इसका क्रम पूछ लेता है सीधे एग्जाम में, लेकिन पेट के एग्जाम में आपका क्रम नहीं पूछना चाहिए, केवल यही पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान है जहाँ पर सम्राट अशोक तीर्थयात्रा के दौरान नहीं गए थे। तो आप याद कर लीजिएगा इन 6 नामों को। चलिए आगे देखते हैं हम। अशोक जो है देवनामपुरी की उपाधि लिए हुए थे, और ये देवनामपुरी की उपाधि दिखाती है कि इन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार तो कर लिया था, लेकिन ऐसा नहीं था कि हिंदू धर्म के प्रति इनकी आस्था छूट गई थी। और देवनामपुरी जो अभिलेख नाम मिलता है, इसका उल्लेख जो है आपका मास्की व गुजरा के अभिलेख में मिलता है। तो यही क्वेश्चन पूछता है कि देवनामपुरी की उपाधि का उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है, तो उसका आंसर होगा मास्की एवं गुजरा अभिलेख। अब हम अशोक के अभिलेखों के बारे में पढ़ाई करेंगे। अशोक के जो अभिलेख हैं वो प्राकृतिक भाषा में लिखे हुए हैं, और उनकी जो लिपि है ब्राह्मी लिपि है। हालांकि कुछ ऐसे भी अभिलेख हैं जो अपवाद हैं, वो ब्राह्मी लिपि में नहीं है, वो है आपके शाहबाजगढ़ी एवं मानसेहर।
ये जो दो अभिलेख हैं ये आपकी खरोष्ठी लिपि में है। खरोष्ठी लिपि कैसे लिखी जाती है इसके बारे में अगर आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि कैसे खरोष्ठी लिपि को लिखी जाती है, हमने पीछे के वीडियोज़ में इसके बारे में बताया हुआ है। इसके अतिरिक्त सारे कुना अभिलेख एक है जो कि ग्रीक एवं अरामाइक भाषा में लिखा हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि शाहबाजगढ़ी, मानसिहर एवं सहर ए कुना ये जो तीन अभिलेख हैं ये प्राकृतिक ब्राह्मी लिपि में नहीं है, बाकी सभी अधिकांश अभिलेख ब्राह्मी लिपि में ही हैं और जो भाषा थी प्राकृतिक भाषा थी। जो अशोक के अभिलेख हैं इनकी खोज जो है सर्वप्रथम 1750 में फटेद्री फेंथेलर ने की थी, पद्रेटी फेंथेलर ने की थी और इनकी जो संख्या थी वो 14 थी, मगर ये उसको पढ़ नहीं सके थे और पढ़ने में सफलता लगभग लगभग 80-90 साल बाद 1837 में जेम्स प्रिंसेप के द्वारा मिली। और इनके जो अभिलेख हैं उनके बारे में अध्ययन करते हैं, इनके अभिलेखों को आप तीन भागों में बांट सकते हैं और जो शिलालेख हैं जैसा कि मैंने पहले बताया उनकी संख्या 14 थी, इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे क्योंकि इनको आपको रटना पड़ेगा और रटने की हम ट्रिक भी बताएंगे आपको, प्लस 7 रूल। इस रूल से आप लगभग 6-7 को ऐसे याद कर लेंगे इस रूल से ही, बाकी हम बताएंगे आपको अंत में, ठीक है? तो बने रहिए हमारे साथ। जो इसके स्तंभ लेख थे उनकी संख्या 7 थी और स्तंभ लेखों में जो ये तीन स्तंभ लेख हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, अक्सर यही एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो हम इन तीन के बारे में बताएंगे आपको। जो प्रयाग स्तंभ लेख था ये अकबर के द्वारा कौसामी से इलाहाबाद स्थापित किया गया था, ये पहले कौसामी में था मगर अकबर ने इसको इलाहाबाद में स्थापित कर दिया था। और इस प्रयाग स्तंभ लेख को रानी का अभिलेख भी कहते हैं। रानी का अभिलेख क्यों कहते हैं? क्योंकि सम्राट अशोक की पत्नी थी करुबा की, उनका वर्णन इस प्रयाग स्तंभ लेख में मिलता है, इसलिए इसको रानी का अभिलेख भी कहते हैं। और इसको अकबर ने स्थापित करवाया था कौसाम्बी से इलाहाबाद, तो इसको अच्छे से याद रखिएगा। दूसरा है आपका दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख, ये जो है फिरोजशाह तुगला ने टोपरा से दिल्ली इसको स्थापित करवाया था। तो क्वेश्चन पूछ सकता है पहले इसमें आपका कि कौन सा अभिलेख है जिसको मुगल सम्राट द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान करवाया गया था, तो होगा आपका प्रयाग स्तंभ लेख। और अगर पूछे दिल्ली सल्तनत काल का कौन था तो दिल्ली टोपरा अभिलेख और दिल्ली मेरठ अभिलेख, क्योंकि दिल्ली मेरठ अभिलेख जो है स्तंभ लेख जो है ये भी फिरोजशाह तुगलक द्वारा मेरठ से दिल्ली लाया गया था। तो इन तीन के बारे में आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आगे देखते हैं हम कि अशोक का जो 7वां अभिलेख है वो सबसे लंबा है। अब सबसे छोटा अभिलेख कौन सा है? वो है आपका रुमिदेई। रुमिदेई कहाँ पड़ता है? आपका लुम्बिनी में। जैसा कि मैंने ऊपर बताया था आपको कि अशोक जो है धर्म यात्रा कर रहे थे तीर्थ यात्रा, और तीर्थ यात्रा के दौरान ये लुम्बिनी में गए थे। तो वहाँ पर जब गए तो जैसा कि आप जानते हैं गौतम बुद्ध का जन्म जो है लुम्बिनी में हुआ था, तो वहाँ पर इन्होंने इस खुशी में 1/8 टैक्स कर दिया था, और मतलब जो टैक्स था उसमें बहुत ही कमी कर दी थी और टैक्स की दर 1/8 कर दिया था। मास्की व गुजरा अभिलेख जो है इसी में अशोक का नाम अशोक मिलता है, इस फैक्ट को भी आप अच्छे से याद रखिएगा। चलिए अभिलेखों के देखने के बाद इनके हम शिलालेखों को देख लेते हैं, जो 14 शिलालेख हैं उनको हम कैसे याद करेंगे। जैसा कि मैंने पहले बताया कि पेट के सिलेबस में हमारे सम्राट अशोक हैं, इसलिए इनसे बनने वाले हर एक क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए हम चाहेंगे कि आप 14 शिलालेख को याद कर लीजिए कि इसमें क्या लिखा हुआ है। हालांकि जो इसमें इंपॉर्टेंट है उसको हम आपको हाईलाइट कर देंगे। जो पहला शिलालेख है आप वो देख सकते हैं कि पशु बलि की निंदा की गई है इसमें। जैसा कि मैंने शुरू में बताया कलिंग के युद्ध में इन्होंने देखा था कितनी हत्याएं हो रही हैं, तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि इन्होंने देखा कैसे लोग मर रहे हैं, तो इसलिए इन्होंने पशु बलि की हत्या की निंदा कर दी, मतलब पशु बलि की इन्होंने निंदा कर दी। और दूसरे शिलालेख में इन्होंने ये कहा कि चिकित्सा का भी व्यवस्था होना चाहिए पशुओं के लिए भी और मनुष्य के लिए भी, क्योंकि ये नहीं चाहते थे कि लोगों की मृत्यु हो, ठीक है? तो आप इन दोनों को तो ऐसे याद कर सकते हैं कलिंग विजय से लेके। तीसरे शिलालेख में इन्होंने अपने राजकीय अधिकारियों से कहा कि हर 5वें वर्ष के उपरांत वो भ्रमण करें और धार्मिक नियमों का उल्लेख करें, ठीक है? तो यहाँ पे उन्होंने धर्म के प्रचार के बारे में बात किया था। और चौथा शिलालेख जो यहाँ पर इसमें इन्होंने धम्म घोष किया था, जो भेरी घोष था उसके जगह पर धम्म घोष का वर्णन किया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लीजिएगा। अब यहाँ से हम प्लस 7 रूल बताएंगे आपको। चौथा जो है इसमें इन्होंने धम्म घोष की घोषणा की है, ठीक है? और 4 में अगर आप 7 जोड़ेंगे तो आपका होता है 11। 11 में इन्होंने किया हुआ है धम्म की व्याख्या, धम्म की घोषणा किए हैं चौथे में, और धम्म की जो व्याख्या किए हैं वो किए हैं 11वें में, ठीक है? जो 5वां शिलालेख है आपका उसमें, एक मिनट, हाँ, इसमें इन्होंने धर्म महापात्रों की नियुक्ति की हुई है।
पांचवें में उन्होंने धर्मपत्रों की नियुक्ति की है और इसमें अगर आप साथ जुड़ेंगे तो होते हैं 12। 12 में क्या किए हैं, 12 में इन्होंने स्त्री महापात्रों की नियुक्ति की है, पांचवें में धर्म महापात्र पुरुष थे जो, और 12वें में स्त्री महापात्रों की नियुक्ति की है। जो छठा है आपका, इसमें इन्होंने आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी है और तब इसमें आप साथ जुड़ेंगे तो होता है आपका 13, ठीक है। 13वें में इन्होंने कलिंग विजय का वर्णन किया हुआ है, जब आत्मनियंत्रण होगा तभी आप हृदय परिवर्तन कर सकते हैं और हृदय परिवर्तन की जो बात है 13वें में है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि पूछ लेता है कलिंग विजय का वर्णन किस आलेख में है, उसका आंसर होगा 13वें में। और 7वां 8वां जो है इसमें इन्होंने तीर्थ यात्राओं का वर्णन किया हुआ है, जो मैंने बताया क्रम कि कौन कौन सा क्रम था, 6 स्थानों पर गए थे ये, अपन को याद कर सकते हैं अच्छे से, उसके बारे में इन्होंने यहाँ बताया हुआ था। और जो 9वां शिलालेख है इसमें उन्होंने सच्ची भेंट और सच्चे शिष्टाचार के बारे में उल्लेख किया हुआ था। जो 10वां शिलालेख है इसके इसमें वो अशोक के जो है राजा एवं उच्च अधिकारी को हमेशा प्रजा के हित के बारे में सोचते रहे, इसके बारे में आदेश देते हैं। 11वें में इन्होंने, मैंने पहले बता चुका हूँ अपने सेवा रोल से, और जो लास्ट है उसमें इन्होंने धर्म धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया था। चलिए अब हम चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार के बारे में देख लेते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बताने से पूर्व मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो वो कैसे मिलेगा। तो अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो मुझे चाहिए इस वीडियो पर 100 लाइक। मजाक कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप जुड़ जाइए। वहाँ पे आपको PDF ही क्या, इसके अतिरिक्त आप कहेंगे तो MCQ क्वेश्चंस भी हमें वहाँ पर लगा देंगे इस मौर्य साम्राज्य से रिलेटेड, ठीक है। तो वहाँ से आपको उसकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी, तो आप वहाँ से जुड़ जाइए। चलिए हम शुरू करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य को। चंद्रगुप्त मौर्य का जो जन्म हुआ था वो हुआ था आपका 345 ईसा पूर्व में, ठीक है। और चंद्रगुप्त मौर्य को सेंडोकोटस कहा जाता था, सेंड्रोकोटस, हालांकि इनको सेंडोकोटस का इन्हीं कहा जाता है, इसके बारे में जानकारी नहीं थी, और इसके बारे में सबसे बताया था हमारे विलियम्स जोन्स ने। विलियम जोन्स जो थे इन्होंने बताया था कि सेंडोकोटस जो कहा गया है वो चंद्रगुप्त मौर्य को ही कहा गया है। और चंद्रगुप्त मौर्य जो हैं राजगद्दी बैठे हुए थे 322 ईसा पूर्व में, 322 ईसा पूर्व ये राजगद्दी बैठते हैं। और इनकी जो मृत्यु होती है वो श्रवण बेगोला में होती है, श्रवण बेगोला में। और इनकी मृत्यु कारण क्या था, ये चले गए थे वहाँ पे और संलेखन विधि से इनकी मृत्यु हुई थी। संलेखन विधि क्या है, संलेखन विधि जो है जैन धर्म का एक विधि है जिसके द्वारा लोग भूखे रह के अपने जीवन का त्याग करते हैं। मैं बता दूँ आपको, चंद्रगुप्त मौर्य जो थे जैन धर्म को मानते थे अपने जीवन के अंतिम समय में, ये जैन धर्म को मानते थे। और अशोक बारे मैंने ऊपर बताया कि ये बौद्ध धर्म को मानते थे, तो इस बात को आप कन्फ्यूज होतीगा कि कौन किसको मानता था। और चंद्रगुप्त मौर्य की जो है लड़ाई हुई थी सिलिकस निकेटर से, निकेटर से इनकी लड़ाई हुई थी, और निकेटर से इन्होंने लड़ाई किया। उसके बाद उनकी जो पुत्री थी, पुत्री का नाम था कार्निया, उससे इन्होंने शादी कर लिया था। इसके बदले में इन्होंने काबुल, कंधार, हेरात और मकरान को उपहार के रूप में स्वीकार किया था, और कुछ उपहार इन्होंने निकेटर को भी दिया था, और उपहार के रूप में इन्होंने हाथियों को दिया था, शायद 500 हाथियों के आसपास थी जिसे इन्होंने दिया हुआ था निकेटर को। और चंद्रगुप्त मौर्य को जो है गद्दी बैठाने के लिए हमारे जो चाणक्य हैं जिनकी पुस्तक है अर्थशास्त्र, वो बहुत ही बड़ा रोल किए हुए थे, और इन्होंने घनानंद को पराजित करके गद्दी बैठे हुए थे। अब हम देखते हैं बिंदुसार के बारे में। जैसा कि मैंने पहले ही बताया, बिंदुसार जो है पिता थे हमारे सम्राट अशोक के, और बिंदुसार के समय में एक विद्रोह हुआ था तक्षशिला में, तक्षशिला में विद्रोह हुआ था जिसको दबाने के लिए इन्होंने अपने पुत्र सुसम को भेजा था, सुसम को, लेकिन सुसम विद्रोह को नहीं दबा पाता है तो इन्होंने अशोक को भेजा था। जब ये अशोक को तक्षशिला भेजे थे तो उस समय अशोक जो थे अवंती के राज्यपाल थे, और जो बिंदुसार हैं ये आजीवक धर्म को मानते थे, आजीवक संप्रदाय को मानते थे, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हैं चंद्रगुप्त मौर्य जो हैं जैन के हैं, और बिंदुसार जो हैं वो आजीवक के हैं, और अशोक जो हैं वो बौद्ध धर्म के हैं। चलिए इसी के साथ हम वीडियो को समाप्त करते हैं, और उम्मीद करते हैं कि
कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, और अगर आपको ये अच्छा लगा है तो लाइक करना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके शेयर और सब्सक्रिप्शन ही हमारे मोटिवेशन होते हैं। आप मोटिवेशन के लिए दूसरों का वीडियो देखते हैं और हम अपने मोटिवेशन के लिए आपके लाइक्स, कमेंट्स और सब्सक्राइबर देखते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।